ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमने बात की माइक्रोस्कोप की, उसमें हमने बात की सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हम बात करते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप इज अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी वेरी फार ऑब्जेक्ट और विच इज यूज टू ऑब्जर्व वेरी फार ऑब्जेक्ट्स। टेलीस्कोप को पढ़ने से पहले, उसके कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम बात करते हैं कुछ हिस्ट्री की। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे अर्थ के बाहर भी कोई दुनिया है, क्योंकि हमारी नजरें जहां तक जाती हैं वहीं तक हमारी दुनिया होती थी। लेकिन सबसे पहले इनके बारे में जिन्होंने सोचा, जिन्होंने समझा, वो थे जॉर्डन ब्रूनो, एक महान फिलोसोफर, एक महान दार्शनिक जॉर्डन ब्रूनो। बट उनके कॉन्सेप्ट्स को समझने वाला कोई नहीं था। उसके बाद थे गैलीलियो, जिन्होंने जॉर्डन ब्रूनो के कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया, बट उनको भी समझने वाला कोई नहीं था। इन दोनों को ही पनिशमेंट मिली। डिटेल स्टोरी के लिए आप अलग से देखिए जॉर्डन ब्रूनो और गैलीलियो की कहानी। बट गैलीलियो ने हार नहीं मानी और उन्होंने सबसे पहले टेलीस्कोप बनाया। तो टेलीस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी? गैलीलियो ने। और उससे के बाद से जो चेंजेस आए, जिससे हम स्टडी करने लगे अर्थ के बाहर की, वो आप सभी जानते हैं। सो टेलीस्कोप भी दो टाइप के होते हैं, एक रिफ्रैक्टिंग बेस्ड टेलीस्कोप, दूसरे रिफ्लेक्टिंग बेस्ड टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में मेन टेलीस्कोप जो हैं वह एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप एंड गैलीलियन टेलीस्कोप। इसके अलावा भी कई टेलीस्कोप हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की बात करें तो यहां भी हमारे पास दो मेन टेलीस्कोप हैं, कैसीग्रेनियन टेलीस्कोप एंड न्यूटेनियन टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में और माइक्रोस्कोप में हमने आपको पिछले वीडियो में ही डिफरेंस बताया था कि जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहे थे तो हमारे पास दो लेंस उसमें हमने यूज किए थे, एक ऑब्जेक्ट लेंस एंड एक आई लेंस। हमने आपको बताया था माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट लेंस की फोकल लेंथ आई लेंस की फोकल लेंथ से हमेशा कम होती है, और ये भी कहा था टेलीस्कोप में जस्ट का रिवर्स। तो सेम टू सेम यहां हमारे पास जो टेलीस्कोप होंगे उनमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट लेंस है उसकी फोकल लेंथ आई लेंस की फोकल लेंथ से ज्यादा होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ऐसा टेलीस्कोप जिसको हम यूज करते हैं बहुत दूर पर स्थित ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या एस्ट्रोनॉम्स। जो हमारे आकाश है, आकाश में जो चीजें हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एस्ट्रोनॉट्स एस्ट्रॉइड्स हैं, उनको ऑब्जर्व करने के लिए जिस टेलीस्कोप की हम हेल्प करते हैं उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसमें हम लेंसेज यूज करते हैं एंड कंडीशन इज देयर दैट ऑब्जेक्ट लेंस की फोकल लेंथ आई लेंस की फोकल लेंथ से ज्यादा होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। हमने माना यहां हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है बहुत दूर है, लेंस से बहुत दूर है। जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास है उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट लेंस, और जो लेंस हमारी आई के पास है उसे हम बोलेंगे आई लेंस। ऑब्जेक्ट लेंस से बहुत डिस्टेंस पर होने के कारण जो रेज आती हैं वो अप्रोक्सीमेटली पैरेलल आती हैं और वो जाकर फोकस पर इमेज बनाती है। हमारे पास ऑब्जेक्ट की इमेज बनी ए डैश बी डैश। अब आई लेंस को हम इस तरीके से अरेंज करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, मतलब कि इस इमेज ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट, इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गई, ये आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच आए तो इसकी इमेज कैसी बन जाएगी? मैग्निफाइड, और फाइनली हमें ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व हो जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेलीस्कोप, और वी कैन से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसका यूज कहाँ है? एस्ट्रॉइड्स को देखने के लिए। अब अगर हम बात करें अर्थ पर जो टेलीस्कोप होता है, जो अर्थ पर दूर जो चीजें रखी हैं उनको देखना है, तो अर्थ मतलब टेरेस्ट्रियल से अर्थ बना हुआ है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो इसमें ही इसी कॉन्सेप्ट में हम एक चीज और ऐड कर दें तो हमारे पास यही एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विल कन्वर्ट इनटू टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अगर हम यहां बात करें तो हमारे पास ऑब्जेक्ट और इमेज, फाइनल इमेज की बात करें तो ये कैसी इन्वर्टेड है। अगर हम एस्ट्रॉइड्स की बात करें, उनकी इमेज कैसी भी हो, इन्वर्टेड हो या इरेक्ट हो,
ज्यादा अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि हमें इनको ऑब्जर्व करना है कि कौन सी चीज कहाँ है, कैसी है। बट अगर हम अर्थ सर्फेस की बात करें, कि हमें दूर की चीजों को देखना है, तो वॉट वी वॉन्ट कि हमें इमेज भी कैसी मिलनी चाहिए, इरेक्ट मिलनी चाहिए, ना कि इन्वर्टेड। तो इसी में अगर हम एक और तीसरा लेंस इस तरीके से लगा दें कि ये जो फाइनल इमेज है वो थर्ड लेंस के लिए, हम बीचों बीच लगाएंगे, थर्ड लेंस के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, और इसको वो क्या कर देगा, इन्वर्टेड कर देगा। मतलब कि इस तरीके से रखे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो तो इमेज क्या बन जाएगी, जस्ट इन्वर्टेड हो जाएगी। हम जानते हैं जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होता तो इमेज क्या होती, इन्वर्ट। तो इन्वर्ट का इन्वर्ट जो होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल बन जाएगी इरेक्ट। उसे हम बोलेंगे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। मैग्निफिकेशन की बात करें तो वही हम फॉर्मल लगाएंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा, जब लीस्ट डिस्टिंक्ट विद इन की बात करेंगे तो माइनस एफ ओ इंटू वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी, और अगर हम इनफाइनाइट केस की बात करेंगे तो हमारे पास आएगा एम इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। अब जब हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की बात करेंगे तो ये माइनस का जो एफ ओ है वो माइनस का क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा प्लस, सो दैट विल बी एम इक्वल टू प्लस एफ ओ अपॉन एफ ई। ये था हमारा रिफ्रैक्टिंग वेव्स टेलीस्कोप, ये उनकी वर्किंग थी। अगर हम बात करें कैसीग्रेनियन टेलीस्कोप या न्यूटन टेलीस्कोप की, ये किस पर वर्क होते हैं, ये होते हैं बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन। यहाँ हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है मतलब लाइन पैरेलल आएंगी। यहाँ हमने एक पैराबोलिक मिरर का यूज़ किया है कॉनकेव शेप में, जो कि कन्वर्जिंग करेगा, कन्वर्ज करेगा। यहाँ हमने कॉन्वेक्स अगेन मिरर लगा दिया है जो कि उसको डाइवर्ज करेगा, और फाइनली हमारे पास ये जो आई लेंस यहाँ होता है, यहाँ हम एक लेंस लगाते हैं जिससे हम इमेज को फाइंड कर सकते हैं, मतलब बहुत दूर से आ रही है ऑब्जेक्ट की इमेज आप यहाँ मिल जाएगी। ये हमारा होता है कैसीग्रेनियन टेलीस्कोप, और सेम टू सेम थोड़ा सा और डिफर करके न्यूटन टेलीस्कोप। बट क्या डिफरेंस है, क्या जरूरत पड़ी टेलीस्कोप बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन की, इनके बारे में हमें देखना है। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे पास कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल एंड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ये हमारे पास आते हैं। तो अगर हम माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की बात करें तो आपको पता है कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, पास की चीज़ों को मैग्नीफाई करके देखना है, टेलीस्कोप दूर की चीज़ों को देखना है। माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट लेंस की फोकल लेंथ कम होती है और आई लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, टेलीस्कोप में जिसका अपोजिट होता है। एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल में भी आपको मैंने अंतर बता दिया। टेरेस्ट्रियल की बात करें तो क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल में जो फाइनल इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, टेरेस्ट्रियल में इरेक्ट बनती है। इसमें हम दो लेंसेज का यूज करते हैं, इसमें हम तीन लेंसेज का यूज करते हैं। इसका जो मैग्निफिकेशन आया था वो कैसा आया था, नेगेटिव आया था, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, और इसका जो आएगा वो आएगा प्लस एफ ओ अपॉन एफ ई। नाउ मेन रिफ्रैक्टिंग बेस एंड रिफ्लेक्टिंग वेस्ट टेलीस्कोप। तो सबसे पहले रिफ्लेक्टिंग बेस टेलीस्कोप जो होते हैं इनमें लेंसेज यूज होते हैं और रिफ्लेक्टिंग बेस में पैराबोलिक मिरर यूज होते हैं। जब हम रिफ्लेक्टिंग बेस टेलीस्कोप की बात करते हैं तो उसमें जो इमेज आती है उसमें थोड़ा सा क्रोमेटिक एबरिएशन होता है। ना व्हाट इज द क्रोमेटिक एबरिएशन, मतलब कि जो कलर्स होते हैं वो कलर्स मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जैसे स्याही फैल जाती है ना कभी, तो उस तरीके से जो एक्चुअल कलर नहीं आ पाता है, बट क्रोमेटिक एबरिएशन डज नॉट ऑकर इन दैट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। लेंस की जो कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती है वो कम होती है इन द रिफ्रैक्टिंग बेस टेलीस्कोप, तो जो इमेज बनती है फाइनल वो भी कम इंटेंस होती है, लेकिन रिफ्लेक्टिंग बेस में कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी थोड़ी ज्यादा होती है, सो इमेज भी क्लियर आती है, हाईली इंटेंस आती है। बट रिफ्रैक्टिंग बेस टेलीस्कोप का अरेंजमेंट करना बहुत ही आसान है, इसलिए इसको यूज करना भी आसान है, जबकि अगर हम रिफ्लेक्टिंग बेस की बात करें तो इसका असेंबल करना इसको बहुत टफ है, इसको एडजस्ट करना बहुत टफ होता है, इसको यूज करना भी टफ होता है। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जो होती है रिफ्रैक्टिंग बेस की वो बहुत ज्यादा होती है कंपेरिजनली, क्योंकि वहां हमारे पास एफ ओ भी है, एफ ई भी है, तो उनके हमें उस एडजस्ट करने के लिए लेंथ ज्यादा रखनी पड़ती है। जबकि अगर हम रिफ्लेक्टिंग बेस टेलीस्कोप की बात करें तो यहाँ जो लेंथ होती है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करती, कम लेंथ होती है। अब हम देखते हैं एक समराइज वे में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और उनकी मैग्नीफाइंग पावर, ये हम एक बार देख लेते हैं ताकि अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं या डायरेक्ट फॉर्म ले आते हैं तो हम पे बने।
यहाँ हमने टेबल में तीन कॉलम लिखे हुए हैं। पहले कॉलम में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दूसरे में मैग्नीफाइंग पावर एट इन लीस्ट विद इन केस एंड इन द सेकेंड वे इन द इनफाइनाइट डिस्टेंस। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप की पावर कितनी होती है 1+G/F, और मैग्नीफाइंग पावर इन इनफाइनाइट केस कितनी होती है D/F। अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसकी पावर कितनी होती है -VO/UO × 1+D/FE, और ये कितनी होती है -VO/UO/D/FE। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप -FO/FE, 1+FE/D, -FO/FE। टेरेस्ट्रियल केवल माइनस साइन चेंज हो जाता है, FO/FE, 1+FED, सिविल माइनस साइन चेंज। गैलीलियो टेलीस्कोप यहां प्लस आया तो यहां माइनस आ गया, दैट FO/FE, 1-FE/D या इज इक्वल टू टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। कैसीग्रेन एंड न्यूटन में देखें तो इनकी होती है -FO/FE, और न्यूटन में जस्ट उल्टा हो जाता है, FE/FO हो जाता है माइनस साइन में। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, इनको हमें देखना है।